नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। आर्यन पर एनसीबी का शिकंजा कसता ही जा रहा। अब जांच एजेंसी ने कहा है कि उसने कोर्ट में आर्यन की व्हाट्सएप चैट्स को सबमिट कर दिया। एनसीबी का कहना है कि पुलिस को ड्रग्स से संबंधित व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं, जो कि कथित तौर पर आर्यन और एक डेब्यू एक्ट्रेस के बीच की। इस बारे में एएनआई ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। इन दिनों आर्यन मुंबई की आर्थर रोड स्थित जेल में बंद है। एनसीबी ने उन्हें कई अन्य लोगों के साथ शिप से पकड़ा था। रिपोर्ट्स की माने तो जेल अधिकारियों ने आर्यन की सुरक्षा बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि आर्यन को स्पेशल बैरक में ले जाया गया और अधिकारी उनकी निगरानी कर रहे हैं। वो जेल के अंदर ड्रग मामले के अन्य आरोपियों से बातचीत और मुलाकात नहीं कर रहे। कहा जा रहा है कि आर्यन को जेल की परिस्थितियों और वहां के भोजन को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में चिंता। इससे पहले आर्यन को जेल के अंदर बीते 11 अक्टूबर को 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर आया था, जो उनके पिता शाहरुख खान ने भिजवाया था। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन ने बीते दिनों एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से वादा किया कि वो अच्छा काम करेंगे और एक दिन उन्हें उन पर गर्व होगा। आर्यन ने एजेंसी से यह भी वादा किया कि वो जेल से बाहर आने के बाद एक अच्छे इंसान बनेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करेंगे। बताते चले कि आज कोर्ट आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आर्यन को बेल मिलेगी या नहीं। वैसे आर्यन से जुड़ी इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर रहे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें वायरल हो रही।